जय मसीह की सबको। इस वक्त मैं नरिता जापान में हूँ और आप पीछे जो बिल्डिंग है उस पर जो लिखावट है उससे आप समझ ही गए होंगे कि यह है जापान। और बड़ी साफ सुथरी जगह है, लोग हैं भी नहीं भी हैं, और अगर है तो बहुत साफ सुथरे और हर तरीके से डिसिप्लिन। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। गर्म भी बहुत है और उमस भी है अपने इंडिया के समान। और ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं अभी, आपको कहीं दिखाई देंगे ये बच्चे, ये जो बच्चे पीछे आ रही है आपको, ये स्कूल जा रही है, उनका एड्रेस है, शायद इधर कोई स्कूल है आगे। और जापान अपने में एक नायाब देश है। इस देश को बड़ा कुछ झेलना पड़ा, सुनामी तो अभी हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन इसके पहले अमेरिका ने एटम बम गिरा करके नागासाकी और हिरोशिमा पर बड़ा इनका नुकसान किया था। लेकिन फिर अमेरिका के ही चर्चेज ने और मिशनरीज ने कहा कि नहीं, हमको इस देश को बनाना है, और उन्होंने इस देश की बड़ी मदद की शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी जो बिल्डिंग बनाने के क्षेत्र में उनकी बहुत मदद की, और फिर से इस देश को बनाया और बहुत ही खूबसूरत देश ये बन करके तैयार हुआ है। मैं कुछ यहाँ की झलकियाँ आपको दिखाऊं। ये टैक्सी है यहाँ की, ये भी टैक्सी है, टैक्सीज खड़ी हैं और लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है यहाँ पर, और साफ सुथरा है बिल्कुल। ये एक चौक है जो चौराहा बोलते हैं, और देखिए सब लोग कितने व्यवस्थित तरीके से आ रहे हैं जा रहे हैं। और मुझको लगता है इस साइड में ये बच्चियाँ और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का टाइम हो गया। यहाँ कोई, यहाँ ट्रेन बहुत चलती है, अभी मैं बुलेट ट्रेन से आया और बहुत ही फास्ट वो ट्रेन थी, मतलब सेकंड में उसने स्पीड पकड़ी। और वो यहाँ देखिए, ये ट्रेन स्टेशन है, उनको लगता है यहीं से ये सब बच्चे आ रहे हैं। ये टोक्यो है और यहाँ से आप, कोई है नहीं, देखिए उन्होंने टिकट डाला, देखा जैसे मेट्रो में होता हम लोग यहाँ, और लोग गए और फिर वहाँ नीचे से आपको ट्रेन मिलेगी। और कोई धक्कम धुक्का नहीं, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि जो नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया अमेरिका के द्वारा, तो अमेरिका के ही जो चर्चेस थे उन्होंने सरकार को बोला कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसा काम ठीक नहीं है, और हम लोग फिर उसको रीबिल्ड करेंगे, हम लोग बनाएंगे जापान को। और मिशनरीज और पास्टर्स और चर्चेस ने मिल करके इस कंट्री को फिर से बनाया। ये है मसीही स्पिरिट कि ठीक है, जापान ने भी अमेरिका के साथ, अमेरिका को तो घुटनों पर ला दिया था, और अमेरिका के पास और कोई रास्ता था नहीं, अमेरिका ऑलमोस्ट बर्बाद था, लेकिन उतना होने के बावजूद, एक दुश्मन कंट्री होने के बावजूद, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जापान को फिर से रीबिल्ड किया। और आज आपको मालूम है, मेड इन जापान जो भी चीज़ होती है वो क्लास होती है, वो हमेशा सुपीरियर क्वालिटी की होती है। अगर मेड इन जापान लिख गया उसके ऊपर, चाइना को तो छोड़ दीजिए, मेड इन जापान लिख गया, सारी जो शानदार चीज़ें हैं, कैमरा खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा बाकी में भी आपकी जो बाकी इंडस्ट्री है, बुलेट ट्रेन ही इनकी देख लीजिए, वो वर्ल्ड फेमस है। और इनकी गाड़ियाँ देख लीजिए आप, होंडा टोयोटा सब जो गाड़ियाँ हैं, उसका कोई जवाब नहीं है, पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रखा है। तो
प्रभु का धन्यवाद हो कि इन सब जगहों से हम लोग को सीखने को मिलता है कि हमारा मसीही समाज जो है वो कितना बेनिवेलेंस, कितना आगे बढ़ करके और सहायता और मदद करने वाला है। उसमें लोग ने हम लोग को गलत समझा है कि ये लालच देते हैं, ये करते हैं। क्या लालच? क्या एक ही चीज़ का लालच है कि खुदा की मोहब्बत लोगों को मिल जाएगी। अब उससे बड़ी लालच और क्या हो सकती है? अगर आपको खुदा की मोहब्बत चाहिए, क्योंकि खुदा ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो लेकिन अबद की ज़िंदगी पाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने बहुत ही हम लोग को एक ऐसा नायाब मोहब्बत का तोहफा दिया है जिससे आप दुनिया जीत सकते हैं। और ये इनकी सिटी बस है, यहाँ पर सब तो जैपनीज में लिखा है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में हैं लेकिन है सब चीज़ें जापान में। और ये बड़े अपने कंट्री को प्यार करते हैं। उससे बार बार पूछे थे कि आपको ये हमारा देश कैसा लगा, कैसा लगा? हमने कहा बहुत अच्छा देश है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं। अंग्रेजी नहीं आने के बावजूद भी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे आपको समझा दें, बता दें किधर से जाना है, कैसे जाना है। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये लोग अपना व्यवहार कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। इंडियंस भी हैं यहाँ पे काफ़ी जो काम करते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जापान के लोग हैं, आप देख लीजिए। मुझे हमेशा से ये तमन्ना थी कि मैं जापान ज़रूर आऊँ, तो इस बार ये मौका मिला और फिर यहाँ से मैं US के लिए रवाना हो जाऊँगा अपने गंतव्य लॉस एंजल्स के लिए। तो कीप मी इन योर प्रेयर गाइज एंड लेट्स एन्जॉय। और ये याद रखिएगा कि हमारा प्रभु महान है, उसने दुनिया को बनाया है, सारे संसार को बनाया है। सब लोग हाथ में पंखा लेके घूम रहे हैं। और छोटा छोटा पंखा लेके घूम रहे, गर्म है, तो उन्होंने अपना उपाय निकाल रखा है कि उसको कैसे अपने आप को ठंड में रखें। और ये बच्चे पढ़ करके आ रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो जैपनीज बहुत पढ़े लिखे हैं, ऑलमोस्ट सभी पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। 99.9% जो है वो पढ़े हुए हैं, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। और हमारा क्रिश्चियन समाज भी पढ़ता नहीं है, बाइबल है लेकिन पढ़ता नहीं है। हाँ, बाइबल पर बाइबल रखे हैं लेकिन पढ़ते नहीं हम लोग। काश कि हम लोग को पढ़ने को मन हो जाता, क्योंकि बाइबल कहती है कि ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। तो ज्ञान कहाँ से आएगा? पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा? और पढ़ते भी है ना, तो वो जब ABCD को आप ए से पढ़ना पड़ेगा ना, ए बी ए के बाद बी आएगा ना। कई लोग सी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, बोले हम तो एफ से पढ़ेंगे, हम तो डी से पढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी पढ़ता आदमी। इसीलिए आप मेरे फेसबुक पेज पर देखेंगे, हमने पुराने नियम से शुरू किया। उत्पत्ति की पुस्तक हमने पूरा अध्ययन किया, निर्गमन की, अभी लय व्यवस्था चल रहा है। सीरीज आप नहीं पढ़ेंगे, कहीं से आपने बीज बोने वाला उठा लिया और कहीं सोड़ाऊ पुत्र उठा लिया, वो उसी में फेंटे जा रहे हैं। अरे भाई, हम लोग मसीही लोग, हमने दुनिया को ज्ञान दिया है, खुद अपने ज्ञान से वंचित हैं हम लोग। जब तक सिस्टमेटिक स्टडी नहीं होगी ABCD, हाँ तब नेक्स्ट वाई, कई लोग XYZ पर पहुंच गए हैं, यीशु मसीह आ रहे, ईश्वर भाई आ रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारी करना कैसे करना, तो ए से शुरू करना होगा ना। अभी XYZ मत्ती की इंजील उसके 24वें अध्याय और उसके 44वें आयत में यीशु मसीह ने कहा कि वो घड़ी ऐसी होगी जो तुम सोचते भी नहीं होगे, तुम सोचते भी नहीं होगे, और वो आ जाएगा, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम लोग सोच बहुत रहे, कुछ हो जा रहा है दुनिया में तो सोचने लग रहे, गर्मी हो जा रही सोचने लग रहे, बाढ़ आ जा रही सोचने लग। अरे ना सोचिए भाई, प्रभु को जब आना होगा, हाँ, उसको उसको किसने ज्ञान दिया है? जब उसने अय्यूब से पूछा कि अय्यूब, जब मैं गहरे सागर बना रहा था, मैं पहाड़ बना रहा था, किसने मुझको ज्ञान दिया? तुम लोग हमको सिखाने लगते हो, प्रभु अब आ रहा है, हम अपने वक्त पर आएंगे। लिखा ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। कौन सा समय? वो तय करेगा ना समय, हम थोड़ी तय करेंगे। हमें तैयार रहना है, जो तैयार है वही उसके साथ जाएगा। 10 कुमारियां जो थी ना, उनके
हम लोग अक्सर कहते हैं उनके पास तेल नहीं था और ये नहीं था, बिल्कुल ठीक बात है। उस एक ही शब्द में सबको समेट दीजिए, वो तैयार नहीं थी, सीधी सी बात है। अब वो तेल नहीं था कि उनके लैंप नहीं थे, मशाले नहीं थे, क्या जो भी था वो तैयार नहीं थी, सीधी सी बात। उस शादी के भवन में दूल्हे के साथ उस घर में, शादी घर में जाने के लिए वो तैयार नहीं थी, दैट्स इट। हमें तैयारी चाहिए, और तैयारी ऐसे थोड़ी होती है कि कहीं जूता रख लिया, कहीं मोजा रख लिया और कहीं पेन रख लिया, कहीं कॉपी। अरे भाई, तैयारी का मतलब सिस्टमेटिक, दैट्स व्हाट तैयारी इज। आप जब ओलंपिक में धावक दौड़ता तो तैयारी करता, अपने खान पीन, रहन सहन, उठना बैठना, मतलब एक एक चीज का वो ध्यान रखता है। कुछ भी नहीं खा लेता, कुछ भी नहीं पहन लेता। मसीह लोग कुछ भी खा ले रहे हैं। अरे रोटी खाइए ना, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर का कलाम चाहिए हमको, वी डोंट नीड। बिशप मुरार क्या कह रहे हैं और बिशप फलाने क्या कह रहे हैं और पास्टर क्या कह रहे हैं, आई डोंट केयर। हमारा प्रभु क्या कह रहा है, उसका वचन क्या कह रहा है, सारी आशीषें उसी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप लोग को बड़ी आशीष दे। और मैंने एक छोटी सी झलक आप लोग तक पहुंचा दी जापान की, चाह तो फिर मुलाकात होगी। सब कुछ है मसीह की।